Hey guys, welcome back to a new video. So, आज हम बात करेंगे यहाँ पर Redmi Note जो 10 हमने लिया है ना, इसकी हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के यहाँ पे हम बात करेंगे। So, इसके जो मिल रहा है ये 33 वॉट का चार्जर इसमें आपको देखने को मिलता है, काफी बल्की है। ऑब्वियसली यू नो 33 वॉट है तो बल्की होगा ही। एंड यहाँ पे जो वायर मिल रही है ये भी काफी अच्छी क्वालिटी की है, यू नो थोड़ी लेंथ में मैं कहूँगा यू नो नॉर्मल है, लंबी वायर होती तो अच्छा था, बट जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी थिकनेस है, ये काफी अच्छी है। अब इस वीडियो में हम क्या यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं कि जो Xiaomi ने यहाँ पर यू नो क्लेम कराया कि आपका ये फोन 1 hour 20 minutes में चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा जीरो से, हम उसका टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पर। बट यू नो मैंने काफी यूट्यूबर्स देखे जो एक्चुअली फोन पूरा डेड करते हैं जीरो पे और तब उसे चार्ज करते हैं। अब मैं इस वीडियो में ये नहीं करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। एक जो नॉर्मल कस्टमर होता है ना दोस्तों, वो इस फोन को यू नो जब 10% हो जाएगा या 5% हो जाएगा या यू नो इवन 30% है, उसे कहीं जाना है, वो तब इसे चार्ज करेगा, वो यू नो फोन डेड होने का इंतजार नहीं करेगा अपना फोन चार्ज करने के लिए। सो हमने यू नो थोड़ा रियलिस्टिक कंडीशन ली है। अब सीधा चलते हैं अपनी वीडियो में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अपने फोन की, और मैं आपको सेटिंग में इसमें एक बार जाके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी 3% यहाँ पे चार्ज बाकी है हमारे फोन में, और अगर मैं अपना फोन स्टैंड बाय पे रखता हूँ यहाँ पर तो ये 1 hour 18 minutes आराम से चल जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव टाइम जो हमारा दिखा रहा है वो है 63 hours and 4 minutes। अब ये लास्ट जब हमने ओवर 90% से चार्ज करा था तब से है। अब जो मैंने इसका यूजेस करा है वो काफ़ी ही वेरीड रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड सिस्टम में यहाँ पर 4 hours 42 minutes लगे हैं, और यहाँ पे हम जैसे कि सोनी की लाइव ऐप पे देख सकते हैं कि 1 hour 41 minutes लगा है। यहाँ पर स्क्रीन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 924 mAh बैटरी ली है, मतलब 53% बैटरी स्क्रीन ने यहाँ पे खाई है और वो 5 hours 14 minutes यहाँ पे चली है। अब जो स्टैट्स हैं मुझे इन पे इतना भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सोनी लाइव ऐप है इसमें दिखा रहा है कि मैंने इसे 1 hour 41 minutes यूज़ करा है, बट मैंने कल चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड का पूरा चैंपियंस लीग गेम देखा। सो गेम 90 मिनट्स का होता है, प्लस एक्स्ट्रा टाइम भी होता है उसमें 15 मिनट्स, प्लस मैंने इसमें काफ़ी स्ट्रीमिंग भी करी सोनी लाइव ऐप पे, तो मैंने यू नो थोड़ा CID देखा, थोड़ा तारक मेहता देखा। तो जो स्क्रीन टाइम है जैसे कि दिखा रहा है कि 5 hours 14 minutes, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, क्योंकि अब ऑब्वियसली क्योंकि मैं स्क्रीन तो घूरूंगा नहीं यहाँ पे 5 घंटों के लिए, ठीक है। सो इसलिए मुझे इस टेस्ट पे थोड़ा सा यू नो डाउट है। ऑब्वियसली यहाँ पे इंस्टाग्राम भी दिखा रहा है कि 27 मिनट्स है, और यहाँ पे फेसबुक भी बहुत कुल 15 मिनट से दिखा रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसने बाकी चीज़ों का जो टाइम है वो अपने स्क्रीन में इंक्लूड करा है। अब यहाँ पे इसकी अगर हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुल 10 सेकंड के लिए सपोर्ट करता है। सो एक बार के लिए मुझे लगा मे बी ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का टाइम दिखा रहा है, बट आई थिंक वो आईफोन आइडल टाइम पे यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 23 hours 46 minutes दिखा रहा है। अब इसमें बैटरी 2% गिर चुकी है। अब अगर आप इसमें देखें तो अगर आप बैटरी सेवर मोड पर मैं फोन डालता हूँ 2% पे, तो ये फोन 52 minutes के बदले 1 hour 20 minutes तक खींच देगा, तो इसमें आपको नियरली 30 minutes का मोर टाइम देखने को मिलेगा। बट अगर मैं अल्ट्रा बैटरी सेवर पे करता हूँ तो यहाँ पे 8 hours दिखा रहा है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे इसमें चार्जिंग टेस्ट करूंगा, प्रॉपर चार्जिंग टेस्ट करूंगा यहाँ पर। अब जिसका चार्जिंग टेस्ट जो हम यहाँ पे करेंगे वो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, हम अपना फोन करेंगे प्लग और थोड़े थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि कितना चार्ज हो रहा है और टोटल टाइम कितना लगा है फोन को चार्ज करने में, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऐप यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है एम्पियर। अब ये एम्पियर आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपके बैटरी का स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा स्टेटस है डिस्चार्जिंग हो रही है बैटरी, फोन हमारा ऑन बैटरी पे प्लग नहीं है, लेवल 2%, बैटरी हेल्थ गुड है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखा देगा, कितनी वोल्टेज है वो दिखा देगा, आपको कितनी मैक्स कैपेसिटी आपकी बैटरी की वो दिखा देगा। अब हम अपना फोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगाएंगे और देखेंगे कि इसमें टोटल टाइम कितना लगता है चार्ज करने में। और अब हम लगाते हैं अपना फोन चार्जिंग पे। सो पहले तो मैं इसे लॉक कर देता हूँ और हम इसे लगाते हैं चार्जिंग पे। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है इन टर्बो चार्ज, और हमारा फोन चार्ज होना शुरू हो चुका है, चार्जिंग रैपिडली आप यहाँ पे आ रहा है। और अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कलर भी चेंज हुआ है एम्पियर ऐप का। सो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी AC चार्जर है हमारा यूज हो रहा है, क्यों डायरेक्ट प्लग से लगा है। यहाँ पे लेवल ठीक है अभी बैटरी का, टेम्परेचर भी 37.3% है, और जो वोल्टेज है यहाँ पे 3.87 यहाँ पे अभी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम फोन को थोड़ा यहाँ पे रख देंगे, अब आपके स्क्रीन पे हमें टाइम और कितना परसेंट है आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं 1:30 हो रहे हैं और यहाँ पे अभी बैटरी है इसकी 3%। हम हर 15 मिनट में आके चेक करेंगे कि इसमें बैटरी कितनी हुई है। एग्जैक्ट 15 मिनट नहीं होगा मे बी, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम यू नो रेगुलर इंटरवल में यहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी बैटरी कैसे कैसे यू नो चार्ज हो रही है। अब दोस्तों 15 मिनट में तो मैं सॉरी नहीं आया, बट यहाँ पे अब 24 मिनट्स हो चुके हैं, जैसे आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 154 हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मैंने ऐप डाउनलोड करी थी ये एम्पियर मीटर है, ये इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है ये 3.84 वोल्ट है,
बट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करो, यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन होती है जो, तो अगर आप इसको यू नो फॉर्मूले में डालो दोनों चीज़ें एम्पियर ऊपर है और जो यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, सो ये दिखाएगा आपको यहाँ पे कि 2 या 3 वॉट का ये चार्जर है, बट ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे 33 वॉट का चार्जर है। अब आप कहोगे आपने कोई जीरो मिस कर दिया होगा, बट ऐसी बात नहीं है, हमने यहाँ पे 10 वॉट का भी चार्जर इसमें अभी मैंने लगा के देखा था और यहाँ पे सेम ही रिजल्ट दिखा रहा था। सो मैं कहूँगा ये ऐप इतनी रिलायबल नहीं है, मैंने दूसरी ऐप भी यहाँ पे डाउनलोड करके देखी और इसमें भी आपको यहाँ पे यू नो सेम ही रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे जरा ऐड आ गया इनका, सो यहाँ पे भी इसमें आपको सेम ही रिजल्ट दिखा रहा है कि ऊपर यू नो 1000 mAh इसमें करंट आ रहा है, यहाँ पे 3.84 यहाँ पे वोल्टेज है। सो मैं कहूँगा हम इस ऐप्स को, मैंने भले आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम देख सकते हैं, बट आई थिंक ये इतनी रिलायबल नहीं है। आप इसमें बेसिक चीज़ देख सकते हो, बट हम यू नो फ्यूचर में एक थोड़ा प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे हम, तब आपको एक अच्छे से इसमें यू नो टेस्ट करके दिखाएंगे। फिलहाल बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 155 हो चुके हैं और जो यहाँ पे अभी हमारे फ़ोन में जो बैटरी है वो है 23%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 21% बैटरी इसमें आ चुकी है 25 मिनट में। अब वापस आएंगे हम यहाँ पे 15-20 मिनट में। सो हम दोस्तों आ चुके हैं एक और बार वापस। अब यहाँ पे टाइम जो हो चुका है वो है 2:30। अब यहाँ पे 2:30 का जो टाइम है, और हम अगर बैटरी की बात करें यहाँ पर, अब सर अभी बैटरी आप देख सकते हो अभी 53% है। सो लास्ट टाइम जब हमने चेक करा था तब बैटरी थी 23% और अब यहाँ पे 53 है। अब यहाँ पे यू नो वापस हम जाएंगे और देखते हैं दोबारा कि कितनी परसेंट इसमें बैटरी होगी। सो गाइस अब यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं, अब हो रहा है 3:10। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे 40 मिनट बाद मैंने इसे चेक करा है और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हो 81% यहाँ पे आप हो चुका है। तो यहाँ पे 40 मिनट में रफली 28% यहाँ पे बैटरी चार्ज हुई है। अब हम देखते हैं कि ये 100% यू नो कितने देर में होगा। सो दोस्तों देख सकते हो जैसे कि आप इसमें अभी 100% यहाँ पे पूरा हो चुका है। सो यहाँ पे 100% हुआ यहाँ पे 3:47 पर। अब अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो हमने यहाँ पे 1:30 बजे फ़ोन लगाया था और यहाँ पे ओवर 2 आवर्स हमें यहाँ पे टोटल चार्जिंग टाइम यहाँ पे लगा। एम्पियर ऐप में जाकर हम एक बार देखें, सो जैसे आप देख सकते हो थोड़ा कूल डाउन हो रखा है फ़ोन, 39°C है और यहाँ पे 100% यू नो चार्ज हो चुका है। सो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 100% में यहाँ पे फ़ोन दिखा रहे हैं कि हमारा फ़ोन 42 hours and 54 minutes तक चल सकता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने 100 पे तुरंत हटा दिया था तो ये अगेन 99 पे तुरंत वापस जा चुका है। और इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जो अलग मोड है, जैसे बैटरी सेवर मोड है, वो दिखा रहा है कि आपका ये आराम से यहाँ पे 65 आवर्स चल जाएगा, जो कि होता है यू नो नियरली 2.7 days। और अगर हम अल्ट्रा बैटरी सेवर में डालते हैं तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 392 आवर्स चल जाएगा, 392 आवर्स यहाँ पे होता है आपका 16 दिन। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि बैटरी यहाँ पे हमारी यू नो कैसी ओवर द टाइम चार्ज हुई है। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमारे इस फोन को चार्ज होने में लगे हैं 2 hours 15 minutes। हमने 1:30 बजे फोन चार्जिंग पे लगाया था और ये 3:47 तक ये पूरा चार्ज हुआ है। अब ये जो इन्होंने लैब रिजल्ट बताए थे उससे बिल्कुल भी यू नो मैच नहीं करता। 1 hour 20 minute और 2 hours 15 minutes में यू नो काफ़ी ही ज़्यादा फर्क है। यू नो ऊपर नीचे होता है थोड़ा मैं मानता हूँ, बट इसमें काफ़ी फ़र्क आया है। अब इसका एक दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे होता है टेम्परेचर इसका। अब टेम्परेचर आपका यू नो डिपेंड करता है गर्मी में वैसी आ रही है, यू नो टिपिकल एक इंडियन हाउस होल्ड में अच्छी खासी गर्मी रहती है यार दोस्तों गर्मियों में। और दूसरी चीज़ है इसका प्रोसेसर एंड रैम। अब प्रोसेसर तो यू नो इसमें सेम है जो इसके दूसरे वेरिएंट में, उसमें भी सेम ही प्रोसेसर है, बट जो रैम है उसका थोड़ा सा फर्क है। इसमें 4GB रैम है, उसमें 6GB रैम है, तो आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, बट अगेन 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा। जैसे क्लेम कर रहे हैं 1 hour 20 minute और जितना आया है मेरा 2 hours 15 minute, उतना देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें और चीज़ भी है जो वेरी करती है काफ़ी। अब पूरा 33 वॉट मिल रहा था क्योंकि फोन में तो दिखा रहा था भी टर्बो चार्ज हो रहा है और मैंने सिर्फ 10 वॉट से भी कनेक्ट करके देखा था, तब टर्बो चार्ज नहीं दिखा रहा था। और मैं लैब रिजल्ट यू नो एक्सपेक्ट नहीं करता, जब भी फोन आपके हाथ में आता है तो हमेशा यू नो थोड़ा अलग ही होता है, थोड़ा यू नो हमेशा फर्क पड़ता है। 18-20 का कहूँ, 19-20 का भी छोड़ो, 18-20 का तो फर्क पड़ता ही है दोस्तों, बट इसमें यू नो कुछ ज़्यादा ही रहा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ जिनके पास ये फोन है, अगर आपको भी सेम यू नो दिक्कत नहीं कहूंगा मैं ऐसे यू नो सेम चीज देखने को मिली। मैं मानता हूँ कहीं कहीं मेरे को पता है मेरा फोन ही जल्दी चार्ज हो जाएगा, कभी मुझे लगता है 1.5 घंटे में भी किसी दिन चार्ज हो जाएगा। अब बाकी जो यूट्यूबर है उन्होंने भी यू नो टेस्ट करे हैं, उनका भी कभी 1 hour 14 minute आया है, किसी का एक्चुअली ओवर 2 hours भी आया था बट उन्होंने यू नो बिल्कुल डेड नहीं करा था फोन, और जब उन्होंने पूरा फोन डेड करा तो उनका यू नो अगेन ये 1 hour 20 minute में चार्ज हुआ।
सो ऐसे ऐसे यू नो इसमें चीज़ें हैं, फ्लक्चुएशन है, तो आप एकदम से यू नो एकदम भरोसा नहीं कर सकते कि कंपनी जो क्लेम करती हो आपको हर बार मिलेगा। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको ये दिखाऊं कि क्या ये रिजल्ट दे रहा है मेरे लिए, और ताकि यू नो आप भी थोड़ा यू नो डिसीजन ले सको कि अगर आप ये चार्जिंग के यू नो रिगार्डिंग ले रहे हो और आपको देखना है लेने से पहले कि कितना जल्दी फ़ोन चार्ज होता है, सो आप ये रिजल्ट देखिए, यू नो थोड़ा अपना यू नो डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी फोन लेते वक्त। तो दोस्तों इतना था इस वीडियो के लिए, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हम ऐसा कंटेंट लेके आते रहते हैं। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।